दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। तुम मेरे नसीब में थे और मैं तुम्हारे नसीब में, तो तुम दुनिया के कितने चक्कर लगा लेते। घूम फिर के वापस तो मेरे पास ही आना था। एक मजे की बात, तुम जैसी पागल से शादी कर, इतना खुश हूँ ना पागल। और मुझे देखो ना, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती और कोई मुझसे कहता है कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूं, तो मैं तो मना कर देती बॉस। इबादत मोहब्बत की करते हुए मेरे लिए सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट, तुम्हारी मोहब्बत। आ जाओ अजलान साहब, दुल्हन को आप दोनों के नए कमरे में शिफ्ट करवा दिया है, बेगम साहिबा ने कहा था आपको बता दूं। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। आप अगर यहाँ रह रहे तो मुझे बता दीजिए, मैं मुझे किस रूम में जाना है। हमें एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखें, हम चाहे या ना चाहे एक दूसरे की जिंदगी में आ चुके हैं, बेशक एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। लोग हजारों बातें करेंगे एंड मैं नहीं चाहता कि मॉम को पता चले। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि हमारी शादी के पीछे क्या मकसद है। हाँ, लेकिन ये रूम में मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे फिक्र मत करो, तुम मेरे कमरे में होकर भी मुझे नजर नहीं आओगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं। वो सोफा है, वहां सो जाओ, तुम्हारे घर से ज्यादा कंफर्टेबल होगा।